What's up everyone, welcome back to the channel। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि बैलेंस कैसे लिखना है, किधर लिखना है, किस तरीके से हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है यार, तुम लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है तो एक वीडियो बना ही देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग के बेसिस, कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग किधर करते हैं, ओपनिंग किधर लिखते हैं, क्लोजिंग किधर लिखते हैं, और किस तरीके से आप सभी अकाउंट्स बहुत ईजिली बना पाओगे बिना याद करे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग सच में हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो तो यार वो सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन बेल सब लोग दबा के रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैलेंस किधर लिखना है, कैसे लिखना है, उसके लिए आपको ये क्लियर के बारे में जानना जरूरी होता है। अब आप में से बहुत से लोग इसके साथ फैमिलियर होंगे बट बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो मेरा काम ही ये है बताना। तो सी का मतलब क्लियर में होता है कैपिटल, L का मतलब होता है इसमें लाइबिलिटीज, E का मतलब होता है इसमें एक्सपेंसेस, A का मतलब होता है इसमें एसेट्स, और R का मतलब होता है इसमें रेवेन्यू। अब आप 11th में हैं या 12th में, आप दोनों के लिए ये काम आने वाला है कॉन्सेप्ट। और इनफैक्ट अगर आप उससे ज्यादा भी आगे आ चुके हो, बीकॉम बीबीए में हो, तब भी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो गाइस देखो बहुत आसान है, इनमें ना नेचर आपको देखना होता है। नेचर कैसे देखना होता है कि ये जो एक्सपेंसेस और एसेट्स है ना, एक्सपेंसेस और एसेट्स, इनको आपने अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स का जो नेचर है वो इस तरीके से है, और कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू का जो नेचर है वो इस तरीके से है। अब यहां पे ये आई क्या है, आई का मतलब है इंक्रीज, और डी क्या है, डी का मतलब है डिक्रीज। ठीक है, तो जो कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू है उसमें डेबिट साइड में ये डिक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड में ये इंक्रीज होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और जो एक्सपेंसेस और एसेट्स हैं ये हमेशा डेबिट साइड में इंक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होंगे। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है, ये आपको पता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि सर बैलेंस किस साइड लिखा जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा इंक्रीज वाली साइड आता है, ऑलवेज। हमेशा कौन सी साइड आएगा, इंक्रीज वाली साइड आएगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, लाइक सपोज आपने एक बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपने एक बनाया, सिंपल सा अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट देखो इस तरीके से आपने बना दिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है, तो बहुत से बच्चों ने 11th में भी रटा होगा कि कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है जब आपने कैश बुक बनाई थी। कुछ भी नहीं है, आप मुझे बताओ बैंक क्या है इनमें से आपका, बैंक आपका एसेट है तो एसेट कौन सी साइड में इंक्रीज होगा, ध्यान दो, कौन सी साइड में इंक्रीज होगा, डेबिट साइड में। तो बैलेंस हमेशा कौन सी साइड में आएगा, इंक्रीज वाली साइड में। तो यानी बैंक का बैलेंस कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। कैपिटल अकाउंट आपने अभी बनाया, मैंने आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने सिखाए थे। तो सपोज दो पार्टनर्स हैं, एक्स वाई। अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल ये कि बताओ ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, तो आप कैपिटल ढूंढो, ये रहा कैपिटल, कैपिटल का इंक्रीज कौन सी साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद करो हमने इधर लिखा था या नहीं लिखा था। और उसके साथ साथ इनके बेसिक रूल्स भी वैसे ही चलते हैं कि सपोज कैपिटल को आपने देखना है कि किधर इंक्रीज होगा, तो लिखा है ना क्रेडिट में इंक्रीज होगा, इधर बढ़ेगा इधर कम होगा। बैंक बैलेंस, बैंक की बात करूं तो बैंक किधर इंक्रीज होगा, बैंक एक एसेट है, एसेट इंक्रीज कौन सी साइड में होता है, डेबिट साइड में, तो ये इधर इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम लोग कुछ और अकाउंट्स ले लेते हैं, जैसे सपोज मैं आपको कहता हूं कि लोन अकाउंट बना के दिखाओ, लोन अकाउंट मैंने आपको कहा कि लोन अकाउंट बनाओ, तो अगर हमें लोन अकाउंट बनाना हो, लोन अकाउंट में तो डेट भी मैंडेटरी होती है, तो मैं डेट का भी कॉलम डाल देता हूँ। वैसे कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो जल्दी से बेसिक पकड़ो कि लोन क्या है इनमें से, इन सब में से लोन क्या हमारा कैपिटल होता है? नहीं। क्या एक्सपेंस होता है? नहीं। क्या एसेट होता है? नहीं। क्या रेवेन्यू होता है? नहीं। बट लोन अगर आपने लिया है तो आपकी लाइबिलिटी है या नहीं है? आपने लोन लिया है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का इंक्रीज कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो बैलेंस भी किधर आएगा? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज आपने 1 लाख का लोन लिया है तो आपने लिख दिया 1 लाख, ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। क्लियर है? अब आपने क्या करा, सपोज आपने 50,000 का लोन पे कर दिया। अगर आपने 50 का लोन पे कर दिया तो क्या आपकी ये लाइबिलिटी कम होगी? तो लाइबिलिटी डिक्रीज कौन सी साइड में हो रही है? डेबिट साइड में। तो मैं इधर लिख दूंगा टू बैंक 50,000 हमने पे कर दिया। बस अब आपको बैलेंसिंग करनी होती है, तो 1 लाख माइनस 50,000, फिर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। देखो टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000। यहां पे जो मैं बच्चों बैलेंस की बात कर रहा हूं वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखोगे ऑलवेज। हमेशा ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड में आएगा? जिस साइड इंक्रीज आता है। तो रटना कैसा यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर को ध्यान रखो सब हो जाएगा। एक और अकाउंट ट्राई करते हैं। सपोज कौन सा अकाउंट बनाओगे बताओ? सपोज हम लोग बनाते हैं डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, डेटर और क्रेडिटर। सपोज आपको डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, तो आप मुझे बताओ अब डेटर आपका एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस, एसेट इंक्रीज है डेबिट साइड में, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा हमेशा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं तो क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये बैलेंस इधर आएगा। तो कभी भी बैलेंस लिखना हो ऑलवेज रिमेंबर कि बैलेंस इंक्रीज वाली साइड आता है, और इंक्रीज आप इनमें सब ढूंढ सकते हो। ये क्लियर बहुत जरूरी है। अब अगर आपको ये क्लियर समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, तो सारी अकाउंट्स ऑल क्लियर है। और अगर ये क्लियर नहीं आया तो भी सारी अकाउंट्स ऑल क्लियर है। अब जिसको ये बात समझी वो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझी वो यार पढ़ाई बंद कर दो, पोगो देखो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सभी बच्चों तक पहुंचा देना यार। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये बनाने बहुत जरूरी है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।